हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया गया है रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। रवि है और जय है और दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया हम लोग को 3:2 का, क्लियर है। अब आगे बोल रहा है यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय से 6 वर्ष अधिक थी। बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, पूर्व मतलब क्या, 4 वर्ष पहले रवि की आयु जय से 6 वर्ष अधिक थी, मतलब रवि और जय का अंतर दिया गया है 6 वर्ष, क्लियर है। जब भी क्वेश्चन में अधिक वर्ड का यूज करे तो इसका मतलब क्या है, अंतर है, क्लियर है। जब भी क्वेश्चन में ये सब वर्ड का यूज करे माइंड में रखिएगा, अधिक कम या फिर डायरेक्टली अंतर बोल दे या फिर बोले कि बड़ा है या फिर छोटा है, क्लियर है। तो ये सब का मतलब होता है अंतर, माइनस करना है, मतलब रवि माइनस जय कितना है, 6 है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जय माइनस रवि 6 है, क्लियर है। लेकिन -6 नहीं लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। दोनों का 6 है अंतर। तो बोल रहा है जय की वर्तमान आयु क्या है, तो जय का हम लोग को प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अब देखिए ये 4 वर्ष पहले का है अंतर और ये प्रेजेंट का रेशियो है, तो हम लोग को पता है कि टाइम फॉर्म लोग को इक्वल करना पड़ता है। तो देखिए ये प्रेजेंट का रेशियो है, इसको भी प्रेजेंट में ले आइए तो हम बोलेंगे कि प्रेजेंट में रवि माइनस जय कितना हो जाएगा, तो 6 ही होगा, क्लियर है। हम बोलेंगे रवि माइनस जय कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष पहले 6 वर्ष था, क्लियर है, तो अभी भी कितना होगा, 6 वर्ष ही होगा। अब कैसे हो रहा है ये चीज, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। देखिए रवि है और जय है, हम मान लेते हैं रवि का एज जो है अभी 40 है और जय का एज अभी है 30। हम बोलेंगे कि 2 वर्ष पहले, क्लियर है, 2 वर्ष पहले रवि का एज कितना होगा, तो 2 माइनस हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे कि 10 वर्ष पहले रवि का एज कितना होगा, तो 10 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। 10 वर्ष पहले हम जय का एज कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष इसका भी माइनस होगा, हो जाएगा 20। अब ये कब का रेशियो था, ये प्रेजेंट का था, ये प्रेजेंट का एज था, क्लियर है, 40 वर्ष और 30 वर्ष, और ये हम कब बोल रहे थे, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले ये दोनों का एज इतना हुआ। अब हम बोलेंगे कि प्रेजेंट में दोनों का डिफरेंस कितना था एज का, तो देखेंगे डिफरेंस करके, मतलब डिफरेंस जब भी बोलें तो माइनस करके देखना है, क्लियर है। तो माइनस करके देखेंगे कितना हो रहा है, 10 वर्ष। यहाँ पे भी देखिए, अब 4 वर्ष पहले रवि और जय का डिफरेंस कितना हो रहा है एज का, देखिए 30 से 20 जाएगा 10। देखिए प्रेजेंट एज का डिफरेंस भी 10 है, 10 वर्ष पहले का भी डिफरेंस 10 है, जबकि एज दोनों का 10-10 घट गया, समझ में आ रहा है। मतलब डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम लोग को, डिफरेंस सिर्फ देखना है, यहाँ पे भी 10 था यहाँ पे भी 10 हो रहा है, प्रेजेंट में जितना डिफरेंस था अभी भी डिफरेंस उतना ही हो रहा है, मतलब टाइम के साथ डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्यों नहीं पड़ता है, ये खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए हम बोले कि 10 वर्ष पहले रवि का एज और जय का एज का अंतर कितना होगा, क्लियर है। अभी अंतर 10 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितना होगा अंतर, तो बोलिए कि 10 ही वर्ष, कैसे, रवि का जो एज है वो 10 वर्ष घटा, क्लियर, तो जय का भी एज ना 10 वर्ष घटेगा, ऐसा थोड़े ना होगा कि रवि का एज घट जाएगा और जय का एज उतना ही रहेगा टाइम के साथ, क्लियर है, टाइम के साथ इक्वली दोनों का एज बढ़ेगा और इक्वली दोनों का एज घटेगा, यही कॉन्सेप्ट कहता है। नहीं समझ में आया तो और अच्छे से समझिए, रवि का एज मान लेते 40 है और जय का एज 30 है, हम बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद रवि का एज कितना होगा, क्लियर है, और जय का एज कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद ये 45 का हो जाएगा, तो ऐसा थोड़े ना है कि ये 5 वर्ष नहीं बढ़ेगा, क्लियर है, इसका एज रुका हुआ रह जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एज इसका बढ़ रहा है 5 साल तो इसका भी 5 साल बढ़ेगा। अगर हम 5 साल बाद का बात कर रहे हैं दोनों का एज का, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 45 का होगा, तो ये 30 का अभी प्रेजेंट में है, तो ये भी तो 5 साल बढ़ेगा, समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाहते हैं। अब देखिए दोनों का अंतर प्रेजेंट का देखिए कितना हो रहा है, 10 वर्ष, और ये हम क्या बोले 5 वर्ष बाद का, तो इसका अंतर देख लीजिए, इसका अंतर देख लीजिए, ये भी 10 वर्ष है, तो अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए प्रेजेंट का रेशियो हम लोग को पता है और प्रेजेंट का अंतर हम लोग को पता है 6 वर्ष है, ठीक है, अंतर 6 वर्ष है, तो इसको भी अंतर कर लीजिए, तो 3 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6, ये हम लोग का एक हिस्से का वैल्यू आ गया। अब दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों का एज निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 2 या 12,
63 जे 18, क्लियर है। तो पूछा किया गया है तो जय की वर्तमान आयु क्या है, तो जय की वर्तमान आयु कितना है 12 इयर्स। अगर पूछता रवि का तो रवि का कितना होता 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 3 लड़कों का औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 3 लड़का है, हम मान लेते हैं ए बी और सी, तीनों का नाम दे दिए और तीनों का औसत दिया 35, तो तीनों का योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, एक कॉन्सेप्ट देखिए, संख्या गुने में औसत हम लोगों को क्या दे देता है, योगफल दे देता है। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। तो देखिए 3 लड़कों का औसत आयु 35 वर्ष है, तो संख्या कितना है 3 है, क्लियर है। 3 लड़का बोला गया, इसका मतलब क्या, संख्या में 3 गो है और औसत दिया गया 35, तो 3 गुने में 35 कर देंगे तो इसका योगफल निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 3 9 और 1 10, मतलब 105 जो आया ये तीनों का योगफल आ गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये कितना आया 105 वर्ष, क्लियर है। ये तीनों का योगफल 105 वर्ष आ गया है, लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, ये प्रेजेंट का है। तथा उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5:7 है बोला गया है, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट का रेशियो भी दिया गया 3:5:7। तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है, सबसे छोटे का हम लोग को आयु निकालना है। अब देखिए ये प्रेजेंट का रेशियो है और ये प्रेजेंट का एड करके दिया गया, तीनों को मिला करके दिया गया 105, तो हम लोग करना कुछ नहीं है, ये तीनों का मिला के 105 है, तो तीनों को मिला दीजिए कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 12 और 3 15, तो 15 7 105, एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को साथ निकल के आ गया। तो बोल रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है, तो सबसे छोटा रेशियो किसमें है उसको हम लोग को देखना है, तो ए का रेशियो सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा लड़का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना खाली हम लोग को समझ में आया रेशियो से कि जिसका रेशियो सबसे कम है वही सबसे छोटा होगा और जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है वही सबसे बड़ा होगा, तो रेशियो देख के हम लोग को इतना समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग को पूछा गया है सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है, तो ये रेशियो है सबसे छोटे लड़के की, इसे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से 37 जा 21, तो कितना हो जाएगा, सबसे छोटे लड़के की आयु 21 वर्ष हो जाएगी, क्लियर है। अगर सबसे बड़े लड़के की आयु बोलता तो इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, 7 7 जा 49 हो जाता, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है पंकज अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है, मतलब पंकज अरुण और कमल का प्रेजेंट एज का योगफल कितना है 72 वर्ष, क्लियर है। ये कब का है, प्रेजेंट का है। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 8 वर्ष बाद पंकज अरुण और कमल का रेशियो दिया गया हम लोग कितना, 4:3:5 का रेशियो है, इतना समझ में आया। अब दिया है अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो पहले दोनों का प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, उसको डिफरेंस कर देना है। देखिए क्या करेंगे, पहले टाइम को हम लोग को इक्वल करना है, ये प्रेजेंट का टाइम का है और ये 8 वर्ष बाद का रेशियो है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्रेजेंट कर लेंगे या फिर दोनों को 8 वर्ष बाद ले जाएंगे। तो देखिए 8 वर्ष बाद का रेशियो है, इसको 8 वर्ष बाद लेके आ जाएंगे, तो 8 वर्ष बाद पंकज अरुण और कमल तीनों का मिला के कितना होगा ये हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए प्रेजेंट से बाद जा रहे हैं, प्रेजेंट से बाद जा रहे हैं, तो क्या करना है, एड करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पूर्व वर्तमान और बाद, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो हम लोग को ऐड करना रहता है और इस डायरेक्शन की ओर आते हैं तो माइनस करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट से बाद जा रहे हैं, तो प्रेजेंट से बाद जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस कर दिए। अब कितना प्लस करेंगे, तो 8 वर्ष है लेकिन 3 जन है, तो 8 वर्ष ये भी बढ़ेगा, मतलब 8 वर्ष इसका भी ऐड करना पड़ेगा, इसका भी 8 वर्ष ऐड करना पड़ेगा और इसका भी 8 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, मतलब तीनों का 8-8 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं 8:3 यानी कि 24 इयर्स हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। 8 वर्ष 8 वर्ष और 8 वर्ष कितना हो जा रहा है, 24 वर्ष हो रहा है, क्लियर है। 8 + 24 वर्ष हो जा रहा है, तो 24 वर्ष ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72 और 24 96 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर 2 जन रहता तो 8 × 16 वर्ष ऐड करते हैं, अगर 4 जन रहता तो 8×32 ऐड करते हैं, क्लियर है। अब देखिए 8 वर्ष बाद का तीनों का योगफल हम लोगों को पता है और 8 वर्ष बाद का रेशियो पता है, तो अब क्या करना है, रेशियो को भी ऐड कर लेंगे, क्लियर है। कितना हो जाएगा, 4 × 3 7 7 और 5 12 12 8 96, एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। अब क्या बोला गया है, कमल की वर्तमान आयु में, अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो
अरुण और कमल का रेशियो अंतर पूछा गया है, तो अरुण ये है और कमल ये है, इसका रेशियो का अंतर कितना है? तो रेशियो का अंतर बोलिए कि 2 है, तो बस डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। एक हिस्से का वैल्यू 8 है, तो दो हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 गुने 16 वर्ष, या फिर दोनों का एज निकाल लीजिए, अरुण का एज निकाल लीजिए, क्लियर है, और कमल का भी एज निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 5 8 40, इसका कितना हो जाएगा 8 3 24। अब दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर मतलब क्या, बड़ा से छोटा को हमेशा माइनस करना है और माइनस का साइन नहीं देना है। देखिए तो इससे इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 और 16 40 होता है, ठीक है, तो हो जाएगा इतना। ठीक है, तो हम लोग दोनों का एज निकाल के भी माइनस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसका रेशियो को माइनस कर दीजिए, क्योंकि अरुण और कमल का अंतर बोला गया है, तो रेशियो को माइनस कर दीजिए, रेशियो में 2 का अंतर है, क्लियर है, तो 2 हिस्से का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल देंगे, तो 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 ईयर्स, तो 16 ईयर्स हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है राम और मोहन की आयु में 4:5 का अनुपात है, राम और मोहन का रेशियो कितना है, तो 4:5 का है बोला गया, इसका मतलब कब, प्रेजेंट का है। राम और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है, राम और अनिल ये दोनों का रेशियो दिया गया 5:6 है बोला गया है, इसका मतलब ये भी कब का है, प्रेजेंट का है। इतना समझ में आया? अब बोल रहा है यदि तीनों की आयु का योग 69 वर्ष है, तीनों की आयु का योग, इसका मतलब क्या, राम और कौन है, मोहन और अनिल, क्लियर है, तीनों का योग कितना है 69 है बोला गया, इसका मतलब कब, ये प्रेजेंट का है, और ये सब रेशियो भी कब का है, प्रेजेंट का रेशियो है, क्लियर है, तो टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों टाइम प्रेजेंट में ही है, टाइम इक्वल है पहले से। तो मोहन की आयु कितनी है, यानी कि मोहन का जो प्रेजेंट एज है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, राम का अगर रेशियो देखेंगे तो यहाँ 4 है या 5 है, ले कौन सा, ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि 4 ले कि 5 ले, तो रेशियो को हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब राम का जो 4 और 5 है ये 2 को नहीं होना चाहिए, ये कोई एक ही डेटा होना चाहिए, कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए, तो एक ही करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, तो राम का देखेंगे, सिर्फ राम दोनों में है, क्लियर है, दोनों से दोनों में, ठीक है, क्या कॉमन है उसको हम लोग को देखना है, तो इसमें भी राम है और इसमें भी राम है, ठीक है, तो राम दोनों में है, तो राम को देखिए तो ये कितना है 5 है, राम का कितना है 5 है, तो 5 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो 5 है इससे क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 5 दिख रहा है इससे क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई, 5 4 = 20, 5 5 = 25, इतना समझ में आया। अब ये दोनों का निकालने के लिए यहां पे देखेंगे राम का, तो राम का कितना है 4 है, तो इस 4 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 4 5 = 20, 4 6 = 24। अब देखिए राम का, तो ये 20 है और यहां पे भी 20 है, दोनों इक्वल हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं राम कौन है, मोहन और अनिल, ठीक है, राम मोहन और अनिल तीन जन है, तीनों का रेशियो मिल गया। देखिए राम का कितना है 20 यहां पे भी है, 20 यहां पे भी है, अब तो कंफ्यूजन नहीं है, दोनों इक्वल है तो 20 लिख देना है। मोहन का देखिए यहां पे तो 25 है, अनिल का देखेंगे यहां पे तो 24 है, तीनों का रेशियो हम लोग को मिल गया, क्लियर है। अब देखिए तीनों का योगफल कितना है 69 है, तो ये तीनों को भी ऐड करिए, तो 20, 25 और 24 तीनों का ऐड करेंगे तो हम लोग का 69 आएगा। अब 69 से ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को 1 आया। तो बोल रहा है मोहन की आयु कितनी है, तो मोहन का आयु कितना है, तो मोहन का हिस्सा कितना है 25 है, तो 25 × 1 कितना हो जाएगा 25, तो मोहन का आयु कितना होगा 25 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये जो रेशियो निकाले, ठीक है, इसका और एक मेथड है वो भी सीख लीजिए। तो मेथड क्या है, दोनों में जो रिपीट करेगा उसको हम लोग को बीच में लिखना है, तो राम देखिए दोनों में है तो राम को तो बीच में लिख दीजिए और बाकी जो 2 को बचा उसको अगल बगल में लिख दीजिए, क्लियर है। अब देखिए मोहन है और राम है, तो मोहन का 5 है और राम का 4 है, तो मोहन का 5 और राम का 4 ऐसे लिखिए। अब कितना है राम और अनिल कितना 5:6, राम और अनिल कितना है 5:6, इस तरीके से लिखना है ऊपर नीचे करके। अब ऐसे दागे दे देना है, अब दागे देने से मतलब क्या है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई है, क्लियर है, तो कितना है 5 5 = 25 हो जाएगा, इस दागे का मतलब है ये मल्टीप्लाई में है 4 5 = 20, और इस दागे का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 4 6 = 24। ध्यान से समझिए, ये दोनों मल्टीप्लाई किए 25 हुआ, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए 20, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए 24। अब बहुत कोई बोलिए कि मोहन को इधर क्यों लिखे, इधर नहीं लिख सकते थे क्या, तो देखिए लिख सकते थे, राम इधर अनिल कर दीजिए, इधर मोहन कर दीजिए,
तो अनिल और राम का देखेंगे, तो अनिल का 6 है और मोहन का राम का 5 है, अनिल का 6 है राम का 5 है, पूरा अच्छे से समझ लीजिए। एक बार समझ लीजिएगा तो और आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अनिल और राम दोनों का मिल गया, अब कितना राम और मोहन, तो राम और मोहन कितना 4:5 है। अब इस तरीके से कर लेंगे कितना हो जाएगा 6 4 = 24, 5 4 = 20, 5 5 = 25। तो देखिए रेशियो में कोई फर्क नहीं आया, अनिल का यहाँ पे भी 24 है और अनिल का 24 यहाँ है, राम का 20 है यहाँ पे भी 20 है और मोहन का 25 है यहाँ पे 25 है, क्लियर। तो रेशियो चाहे तो इस तरीके से निकालिए चाहे तो इस तरीके से निकालिए, जानना दोनों तरीका है, क्लियर है, तभी आप लोग कॉन्सेप्ट बेटर से क्लियर होगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 25 इयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है सुभाष प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7 है। सुभाष प्रसाद और अमर का रेशियो कितना है 3:6 और 7 का है बोला गया, इसका मतलब का प्रेजेंट का रेशियो है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है, क्लियर है, इसका प्रसाद और अमर का अंतर, प्रसाद और अमर ये दोनों का रेशियो का अंतर, एज का अंतर कितना है 10 वर्ष का है बोला गया है, इसका मतलब कब प्रेजेंट का है, कब का है प्रेजेंट का है। तो सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य कितना अंतर होगा, तो सुभाष और प्रसाद का आयु का डिफरेंस पूछा गया है। तो सुभाष और प्रसाद का आयु का डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ये कब का टाइम का रेशियो है, तो ये प्रेजेंट का टाइम का रेशियो है और ये भी प्रेजेंट का टाइम का डिफरेंस है, किसका, प्रसाद का और प्रसाद है और अमर है, ठीक है। तो प्रसाद और अमर का डिफरेंस कितना है 10 वर्ष है, तो प्रसाद और अमर का डिफरेंस कर लेंगे हम लोग रेशियो में, तो रेशियो में डिफरेंस कितना है 1 वर्ष का है, ठीक है, 1 वर्ष नहीं 1 हिस्से का है, क्लियर है। प्रसाद और अमर का रेशियो का डिफरेंस कितना है 1 का है और यहां पे कितना डिफरेंस है 10 है, तो 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना मिला 10 मिला। अब दोनों का एज हम लोग को निकल के आ जाएगा, क्लियर है, 10 से अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का एज निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ये 60 और ये 70, तीनों का एज निकल के आ गया। अब बोल रहा है सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य कितना अंतर होगा, सुभाष और प्रसाद इसके मध्य अंतर पूछा गया है, तो अंतर मतलब कि ऐसे इसको माइनस कर देना है, तो 60 से 30 जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 वर्ष ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते थे, ये हम तीनों का आयु निकाल के दिखाएं, क्लियर है, अगर तीनों का आयु पूछता तो तीनों का आयु निकालते, लेकिन इसमें तो सिर्फ पूछा था सुभाष और आयु के मध्य अंतर, तो डायरेक्टली हम लोग डिफरेंस करते, 6 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 3, क्लियर। तो अंतर कितना है 3 हिस्सा है और एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को पता है 10, तो 3 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 10 यानी कि 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है रीमा सुमिता से आयु में दुगनी है, बोल रहा है रीमा जो है सुमिता से दुगनी है, तो सुमिता का अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तब ना दुगनी होगा, इसको अगर 2 मानते तो ये कितना होता 4 हो जाता। 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में तिगुनी थी, अब बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व वो सुमिता से कितनी थी 3 गुनी थी, क्लियर है, और ये कब का रेशियो, तो ये प्रेजेंट का है। देखिए रीमा सुमिता से आयु में दुगनी है, दुगनी है इसका मतलब क्या है बोला गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, फिर बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व वो सुमिता से आयु में 3 गुनी थी, 3 वर्ष पूर्व कितना थी 3 गुनी थी, ये हो गया डबल रेशियो वाला क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछला सब पार्ट में कर चुके हैं, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो 0 हो जाएगा, फिर इसे इसको माइनस करेंगे 1 होगा, ये इक्वल नहीं हो रहा है, यहां से ट्रिक स्टार्ट हो रहा है, इसे इसको माइनस करेंगे 0 होगा, इसे इसको माइनस करेंगे 1 होगा, ये इक्वल नहीं हो रहा है, अगर इक्वल होता, क्लियर है, अगर इक्वल होता तो हम लोग को नया रेशियो नहीं बनाना पड़ता, इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा नया रेशियो बनाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों का नया रेशियो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसको डिफरेंस करेंगे, 3 से 1 जाएगा कितना होगा 2 होगा, अब इसी 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, 2 से 1 जाएगा 1, अगर इस 1 से ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है तो 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, अब इसका अंतर करिए मतलब माइनस करिए, 2 से 1 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1, ये इक्वल हो गया, अगर इक्वल यहीं पे हो जाता तो इतना बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। अब देखिए ये पुराना रेशियो को हटा दीजिए, जब नया रेशियो बन जाए तो पुराना रेशियो से हम लोग कोई मतलब नहीं रहता है, अब करना ये है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको लिखना है और यहाँ पे इक्वल टू में जो भी आया उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक हिस्से का वैल्यू मिलेगा, तो 1 से 3 जाएगा तो 3 होगा, क्लियर है, 1 से 3 3 बार में कैंसिल होगा, तो ये जो आया 3 ये एक हिस्से का वैल्यू आया। अब पूछा क्या गया है, इस समय रीमा की आयु क्या है, इस समय मतलब क्या वर्तमान में रीमा की आयु क्या है, प्रेजेंट में रीमा का एज क्या है,
तो ये रेशियो प्रेजेंट का कौन वाला है वो हम लोग को देखना है। तो प्रेजेंट का ऊपर वाला था, तो ये सब प्रेजेंट का रेशियो, बस सेंटर में मिला लीजिए, क्लियर है, प्रेजेंट का रेशियो ये सब है। तो प्रेजेंट में किसका पूछा गया, रीमा का, तो रीमा का ये है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक हिस्से का वैल्यू जो आया इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 3 = 12, तो 12 वर्ष ये हम लोग आंसर हो जाएगा। अगर इसका पूछता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 3 = 6, क्लियर है। तो सुमिता का आयु कितना हो जाता, 6 वर्ष हो जाता, क्लियर है, तो दोनों का एज हम लोग को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो है सोहन की आयु उसके पुत्र की, क्लियर है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3:1 का रेशियो था 5 वर्ष पूर्व, तथा 10 वर्ष बाद सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। अब 10 वर्ष बाद का रेशियो क्या बोल रहा है कि सोहन की आयु जो है उसके पुत्र से दुगुनी हो जाएगी, मतलब 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है, ये भी डबल रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको माइनस करेंगे 0 होगा, इसको माइनस करेंगे 1 होगा, ये इक्वल नहीं हो रहा है। जब इक्वल नहीं होगा तो हम लोग को नया रेशियो बनाना पड़ेगा, मतलब सोहन का और उसके पुत्र का नया रेशियो बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, मतलब 2 से 1 जाएगा, 1 होगा। अब इस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × 3 = 3 हो जाएगा, 1 × 1 = 1 हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसका डिफरेंस करेंगे, 3 से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। ये जो 2 आया ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर है, और ये जो 1 आया था ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिए, ये जो 1 आया था डिफरेंस, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा, फिर इसका डिफरेंस आया 2, तो 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 0, देखिए 2 × 2 होगा ना, यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 1 = 1, 4 से 3 = 1, इक्वल हो गया। अब यहां पे क्या करना है, देखिए इधर समझने वाली बात है, डबल रेशियो वाला हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, क्लियर है। तो अब क्या करना है, ये दोनों को हम लोग को ऐड करना है। पिछला सब जो क्वेश्चन था एक ही वैल्यू रहता था और एक प्रेजेंट का ही रहता था, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों ही जो है पूर्व और बाद में दिया गया है, एक ये क्या है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है, समझिए, पूर्व वर्तमान और बाद, एक पूर्व का दिया है और एक बाद का दिया गया है, क्लियर है। तो देखिए पूर्व का है और एक बाद का है, तो दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 10 और 5 = 15, ये दोनों को हमेशा ऐड करना है, दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो 15 हुआ और ये जो 1 है इससे डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 15 ही होगा, और ये जो 15 हुआ ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। तो पूछ रहा है क्या, सोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान का रेशियो देखेंगे कौन वाला है, सबसे पहले पुराना रेशियो को तो हटाइए दीजिए, ये दो को नया रेशियो है, और ये दोनों में से कौन सा रेशियो जो है प्रेजेंट का है, तो देखेंगे हम लोग, तो ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है ऊपर वाला, और 10 वर्ष बाद का रेशियो है नीचे वाला, तो वर्तमान का रेशियो दोनों में से कोई रेशियो है ही नहीं, तो हम दोनों में से किसी को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व हम निकाल लेते हैं सोहन का एज कितना होगा, सोहन ये है, हम इसको लेके चलते हैं, क्लियर, इसको लेके भी बना सकते हैं, पहले इसको लेके सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर इसको लेके भी सॉल्व कराएंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व बोला गया है, तो 5 वर्ष पूर्व का हम लोग को एज मिल जाएगा, तो 15 है, 1 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। और ये जो 45 वर्ष आया ये कब का एज आया, तो रेशियो जब का है तब का आता है, तो रेशियो कब का है, तो 5 वर्ष पूर्व का है, मतलब 5 वर्ष पूर्व सोहन का जो एज है, क्लियर है, 5 वर्ष पूर्व सोहन का जो एज है वो 45 वर्ष था। तो पूछा गया वर्तमान में, तो पूर्व से देखिए वर्तमान जा रहे हैं, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं, पूर्व से हम लोग को कहां जाना है, पूर्व से वर्तमान जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व था और हमको प्रेजेंट में चाहिए, तो 5 वर्ष ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा, 50 वर्ष, ये प्रेजेंट एज हो जाएगा। अब बोलिए क्या इसको लेके भी हम लोग बना सकते थे, तो बना सकते थे, देखिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जैसे मल्टीप्लाई किए थे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझिए अच्छे से, 1 यूनिट का वैल्यू 15 आया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 4 यानी कि 60 वर्ष होगा, 60 वर्ष कब का होगा, जब का ये रेशियो है, तो ये रेशियो कब का है, तो 10 वर्ष बाद का है, यानी कि 60 वर्ष कब का है एज, तो 10 वर्ष बाद का एज 60 वर्ष है, और हमको पूछा गया है कब, वर्तमान का, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, बाद से वर्तमान आएंगे, बाद से वर्तमान, तो माइनस करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे कितना, 10 वर्ष बाद था और वर्तमान में चाहिए, तो 10 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 50 वर्ष। तो दोनों तरीका जानते रखिए, क्लियर है,
किसी भी रेशियो को लेकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में 50 है तो 50 वर्ष आंसर हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तीन गुनी थी। 10 वर्ष पहले फादर और सन का रेशियो हम लोग को दिया गया कितना, तीन गुना है, इसका मतलब क्या 3:1 का रेशियो है। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी और 10 वर्ष बाद का रेशियो कितना है, दुगुना है बोल जाएगा तो बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या 2:1 का रेशियो बन रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, दोनों का प्रेजेंट का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए डबल रेशियो वाला क्वेश्चन हो जा रहा है, अब क्या करना है, इसको माइनस करेंगे 0 होगा, इसको माइनस करेंगे 1 होगा, इक्वल नहीं हो रहा है तो हम लोग को नया रेशियो बनाना पड़ेगा। तो नया रेशियो कैसे बनाएंगे, इसको डिफरेंस करेंगे 2 से 1 जाएगा 1 और इस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करिए 1 3 3 और 1 1 1। अब इसका डिफरेंस करिए तो 2 होगा, अब इस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2 2 4 और 2 1 2। अब माइनस करिए 2 से 1 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1, इक्वल हो गया। अब क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यू है इसको ऐड करिए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अब इस 1 से डिवाइड कर देना है तो 20 आएगा और ये जो 20 आया ये एक हिस्से का वैल्यू आया, क्लियर है, ये एक हिस्से का वैल्यू आया। तो पूछा गया उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, उनकी वर्तमान आयु मतलब क्या, दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा गया है। तो देखेंगे प्रेजेंट एज का रेशियो कौन वाला है, पहले तो पुराना वाला रेशियो हटा दीजिए, ये दोनों नया रेशियो है और दोनों में से कोई भी प्रेजेंट एज का रेशियो है नहीं, ये 10 वर्ष पहले का है ऊपर वाला और 10 वर्ष बाद वाला नीचे वाला है, तो दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर है। पहले हम इससे निकाल के दिखाते हैं, पहले इससे निकाल के दिखाते हैं, तो दोनों से मल्टीप्लाई करिए दोनों का एज निकल के आ जाएगा, एक हिस्से का वैल्यू 20 आया तो दो हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 × 40 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 20 × 80, तो 80 वर्ष और 40 वर्ष दो का एज निकल के आया, ठीक है। और ये कब का आया, 10 वर्ष बाद आया, लेकिन हम लोग चाहिए कब का, वर्तमान में चाहिए, तो बाद से वर्तमान में आते हैं तो क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं, बोलिएगा कॉन्सेप्ट देखिए यहां से आ रहा है पूर्व वर्तमान बाद, तो बाद से इस डायरेक्शन में आएंगे, बाद से वर्तमान में आना है हम लोग को, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस कर देना है कितना 10 वर्ष है तो 10 वर्ष माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। रेशियो पूछा है तो रेशियो कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7:3 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग अगर चाहते हैं तो इस रेशियो को लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, देखिए अगर इस रेशियो को लेकर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक यूनिट का वैल्यू 20 था तो 20 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 × 3 60 ईयर्स हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 × 1 20 हो जाएगा, यानी कि 60 वर्ष आया और 20 वर्ष आया, क्लियर है। लेकिन ये दोनों जो एज है ये कब का है, 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का रेशियो था तो 10 वर्ष पहले का एज आया इतना, लेकिन प्रेजेंट का रेशियो हम लोग को चाहिए दोनों का, तो दोनों को प्रेजेंट में लेके आइए, ये कब का है पहले का है और हम लोग को प्रेजेंट में लाना है, यानी कि पूर्व से वर्तमान में आना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, 10 वर्ष पूर्व से जा रहे हैं इसलिए 10 वर्ष ऐड कर दीजिए प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा 30 और इसका 70। रेशियो पूछा है तो रेशियो कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 7:3 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व दोनों का रेशियो दिया गया है, फादर और सन का रेशियो दिया गया है, देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, इसका मतलब क्या 7:1 का रेशियो है, कब का 10 वर्ष पूर्व का है। अब बोल रहा है 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दुगना उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी हो जाएगी, इस सेंटेंस को समझिए, 2 वर्ष पश्चात क्या हो रहा है, 2 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद दोनों का रेशियो है, क्लियर है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु का दुगना उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 5:2 का रेशियो है। अब बोलिए कैसे हो रहा है उस चीज को समझिए, 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दुगना, उसकी आयु का दुगना मतलब क्या, फादर का दुगना मतलब टू फादर, उसकी आयु का दुगना उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी होगी, पुत्र का क्या बोल रहा है 5 गुनी होगी, मतलब 5 सन हो जाएगा, इसका मतलब क्या एक दूसरे से इक्वल है, इक्वल वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या इक्वल फिर भी है, हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि इक्वल है कि नहीं, या फिर ध्यान से पढ़िए, 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दुगुना उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 फादर और 5 सन इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ऐसे जब रहता है तो हम लोग को रेशियो मिल जाता है 5:2, बस क्रॉस करते हैं, इसका वैल्यू इधर आ जाता है और इसका वैल्यू इधर, यानी कि फादर और सन का रेशियो कितना हो जाएगा 5:2 का, फादर और सन का रेशियो कितना हो जाएगा 5:2 का। अब इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें कि कैसे ये हो रहा है, ये ट्रिक से हो जा रहा है कि दोनों को पलट दे रहे हैं, क्रॉस कर दे रहे हैं, तो दोनों का रेशियो मिल जा रहा है, क्लियर है।
और यहां से ये रेशियो आया। अब देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, टू फादर इज इक्वल टू फाइव सन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फादर और सन को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, इधर कितना है फाइव है, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, फाइव इज टू फादर इज टू सन, और ये इधर कितना होगा फाइव इज टू टू, फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं, तो फाइव इज टू टू आया, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और यहां से ये आया, क्लियर है। अब इसको माइनस करना है, तो टू से वन जाएगा वन, सेवन से फाइव जाएगा कितना हो जाएगा टू, ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो जब इक्वल नहीं होता है हम लोग को नया रेशियो बनाना पड़ता है, तो देखिए फादर और सन का नया रेशियो बनेगा, तो नया रेशियो कैसे बनाएंगे, तो इसका डिफरेंस करेंगे, फाइव से टू जाएगा कितना होगा थ्री, इस थ्री से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री वन जा थ्री, अब इसका डिफरेंस करेंगे सेवन से वन जाएगा सिक्स हो जाएगा, इस सिक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिक्स फाइव जा थर्टी, सिक्स टू जा ट्वेल्व, अब ये दोनों को माइनस करिए, तो ट्वेल्व से थ्री जाएगा कितना हो जाएगा नाइन, थर्टी से ट्वेंटी वन जाएगा नाइन हो जाएगा, इक्वल हो जा रहा है। अब इधर देखिए जो भी वैल्यू इसको ऐड करते हैं, दस वर्ष है और यहाँ पे दो वर्ष है, कितना हो जाएगा बारह वर्ष हो जाएगा, अब ये जो नाइन है इसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए नाइन से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पॉइंट में नहीं लाना है, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आंसर तब भी आएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने देना है, क्लियर है। तो ये एक यूनिट का वैल्यू आया, एक हिस्से का वैल्यू आया, तो पूछ रहा है क्या, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले तो पुराना रेशियो को हटा दीजिए, अब पुत्र का वर्तमान आयु मतलब क्या, वर्तमान का रेशियो देखना है, तो देखिए दस वर्ष पूर्व का ये रेशियो है और दो वर्ष बाद का ये रेशियो है, तो वर्तमान का रेशियो तो दोनों में से कोई है नहीं, तो हम दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले हम इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। पुत्र का पोला है तो पुत्र का कितना है तीन हिस्सा है, एक हिस्से का वैल्यू इतना है, तो तीन हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा बारह बटे नौ गुने में तीन, तो देखिए थ्री से ये थ्री बार में कैंसिल, थ्री से ये फोर बार में कैंसिल, तो चार वर्ष आया हम लोग को पुत्र का, इसको लेके सॉल्व किया तब, और ये कब का रेशियो है, ये 10 वर्ष पहले का रेशियो है, यानी कि 10 वर्ष पहले का ये एज आया, 10 वर्ष पहले का ये एज आया चार वर्ष, तो हमको क्या चाहिए पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए, तो पहले से वर्तमान में जाते हैं तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्लियर है, पहले से वर्तमान में जाते हैं तो ऐड करते हैं, देखिए कैसे पूर्व वर्तमान और बाद, पूर्व मतलब होता है पहले, यहां से हम लोग यहां आ रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो प्लस कर रहे हैं कितना 10 वर्ष था तो 10 वर्ष प्लस करिए 14 इयर्स हो जा रहा है, तो 14 इयर्स हम लोग का आंसर हो जाएगा, हम लोग चाहते हैं तो इस रेशियो से भी कर सकते थे, सन का पूछा गया यानी कि पुत्र का पूछा गया है, पुत्र का रेशियो ये भी है, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, 12 है एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 12/9 है, तो 12/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 × 12/9 देखिए 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 4 बार में, 3 का टेबल में 4 बार में, 4 × 4 16 ईयर, पुत्र का कितना आया 16 वर्ष आया, लेकिन ये कब का है दो वर्ष बाद का रेशियो है, यानी कि दो वर्ष बाद का एज आया कितना 16 वर्ष, तो प्रेजेंट में हमको चाहिए, तो बाद का एज आया और हमको चाहिए वर्तमान में, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, जब भी इस डायरेक्शन में आएंगे माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए कितना है दो वर्ष है, दो वर्ष माइनस कर दीजिए कितना हुआ 14 ईयर्स, क्लियर है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है पिता और उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है, मतलब फादर प्लस सन ये कितना 60 इयर्स है बोला गया, इसका मतलब प्रेजेंट का एज का योगफल दिया गया है। अब बोल रहे 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, अब 6 वर्ष पूर्व जो है फादर और सन दोनों का रेशियो कितना है, बोल रही थी 5 गुनी थी बोल रहा है, इसका मतलब क्या 5:1 का रेशियो है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र का उम्र पूछा गया है, तो देखिए सबसे पहले टाइम को इक्वल करिए, ये प्रेजेंट का है ये 6 वर्ष पूर्व का है, तो दोनों को 6 वर्ष पूर्व कर लेते हैं, तो 6 वर्ष पूर्व, क्लियर है, 6 वर्ष पूर्व दोनों का योगफल कितना हो जाएगा ये हम लोग निकाल लेंगे, तो वर्तमान से पूर्व में आते हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, क्लियर, वर्तमान से पूर्व में आते हैं तो माइनस करते हैं, कितना माइनस करेंगे 6 वर्ष है तो 6 वर्ष इसका भी माइनस होगा, 6 वर्ष इसका भी माइनस होगा, तो ओवरऑल कितना 12 माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 60 से 12 जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा, दोनों का ऐड करके अब कितना है 48 है, और दोनों का रेशियो हम लोग को पता है 6 वर्ष पूर्व का दोनों का ऐड करके 48 वर्ष है और 6 वर्ष पूर्व का रेशियो पता है, तो टाइम दोनों इक्वल हो गया, दोनों का ऐड करके 48 है, तब इसको भी ऐड कर लीजिए, तो 5 × 1 = 6, क्लियर है, 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 8 = 48, एक हिस्से का वैल्यू हम लोग को 8 निकल के आ गया, तो अब क्या पूछा गया है 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी, तो पुत्र का ये है इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 × 8 तो 8 वर्ष पुत्र का आ गया, लेकिन कब का आया 6 वर्ष पूर्व का आया, हमको चाहिए कब 6 वर्ष बाद का चाहिए, ये जो आया ये कब का आया
छह वर्ष पूर्व का आया, हमको चाहिए छह वर्ष बाद का। तो देखिए पूर्व से बाद की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, तो बोलिए कि ऐड करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, पूर्व से बाद की ओर जाना है, यहां से यहां जाना है, क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करिए, छह और छह बारह हो जाएगा, तो बारह इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 और 8 20 ईयर्स, तो 20 वर्ष ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।